Hello students, Assalamualaikum. How are you? Dear students, today our topic is concept of subtraction and their properties. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Concept of subtraction and their properties. Today let us revise the subtraction concept first. सबसे पहले हम concept of subtraction के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर properties के बारे में हम पढ़ेंगे. हाँ, लेट अस रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन फर्स्ट. आई हैव 48 पेन्स. आई हैव गिव 38 पेन टू सम. हाउ मेनी पेन्स विद मी? नाउ आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट. 48 पेन है मेरे पास, उसमें से मैंने 38 किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितने बच गए? 8 - 8 0, 3 - 1 1. तो हमारे पास कितने बच गए? 10. दस. The difference between 48 and 38 is 10. There are 10 pens left with me. मेरे पास कितने पेन बच गए? 10 पेन. ठीक है ना? Is it clear? Remember, we use the subtraction sign to write subtraction sentences. बच्चों ये चीज याद रखनी है, जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे, कोई भी चीज लिखेंगे सब्ट्रैक्शन का, तो इसका साइन जो है दिस इज कंपल्सरी, ये जरूरी है. ठीक है ना? जैसे कभी एग्जाम में आपको आता है सालो दी फॉलोइंग, तो उसमें से एडिशन भी या एडिशन के पार्ट भी आएंगे आपको, मल्टीप्लिकेशन के भी आएंगे और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी आपको पार्ट आएंगे. तो उनमें से आप किससे पहचानेंगे? उनके साइन से. जैसे ये है सब्ट्रैक्शन का साइन, ये है एडिशन का, और ये है मल्टीप्लाई, आपको पता है. तो ये चीज है, तो किससे पहचान होती है? ये साइन से. तो ये जरूरी है. डू यू रिमेम्बर द टर्म यूज फॉर द नंबर इज सब्ट्रैक्शन? करेक्ट. द नंबर फ्रॉम विच ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड मिन्यूएंड. उसको क्या बोलते हैं? मिन्यूएंड. द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड. द आंसर वी गेट आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड डिफरेंस. शाबाश. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है 48, इसको हम बोलेंगे क्या? मेन्यूएंट. MINUEND मेन्यूएंट. ठीक है ना? अब है 38 को हम बोलेंगे सब्ट्राहेंट. SUBTRAHEND एंड द आंसर इज डिफरेंस. इसको हम बोलेंगे डिफरेंस. क्या बोलेंगे इसको हम? डिफरेंस. ठीक है बच्चों? डिफरेंस. DIFFERENCE. ठीक है? तो ये हो गया. पहले को हम क्या बताएंगे? मेन्यूएंट, सब्ट्राहेंट एंड डिफरेंस. तो द नंबर फ्रॉम विच ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड मेन्यूएंट. ये चीजें याद रखनी, नोट कर लीजिए. द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्राहेंट एंड द आंसर वी गेट आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड द डिफरेंस. ठीक है बच्चों? इन द एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्यूट जो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया है, इज इट क्लियर टू यू? लेट अस रिवाइज द सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन देयर प्रॉपर्टीज के बारे में. शाबाश. फर्स्ट प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी फर्स्ट. ठीक है? ये क्या है? इन दिस प्रॉपर्टी This tell us when we subtract zero from a number, the difference will be the number itself. ठीक है? जब हम करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 88 - 0, तो क्या आएगा? यहां पे वही रकम वापस आएगी, जैसी थी वैसे ही आ जाएगी. When we subtract from 0 88, we get the difference 88. जब हम इस 88 को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें इसका डिफरेंस भी क्या आएगा? 88. In this property, this tell us when we subtract 0 from a number, the difference will be the number itself. ठीक है? अब आ गई दूसरी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी सेकेंड. ठीक है? इसमें क्या है? When we take the number 45, if we subtract 45 from 45, that is, शाबाश. तो ये क्या हमें आएगा? जीरो. जैसे हम करेंगे 45 - 45,
तो इस करके आंसर आएगा हमें जीरो आएगा. इफ वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, वैसे ही नंबर को हम जैसे 45 को 45 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, द डिफरेंस इज जीरो. तो उसका जवाब हमें क्या आएगा, जीरो. वी गेट द आंसर इज जीरो. दिस टेल अस इफ वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज जीरो. शाबाश. अब आ गई तीसरी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टी थर्ड, ठीक है ना. ये क्या है, इन सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर, इन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर इन विच द नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड इज इम्पॉर्टेंट. जैसा हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल 76, ठीक है ना, और 55, 76 माइनस 55, या हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 76 माइनस 55 और 55 माइनस 76. तो जब इनका जो आंसर आएगा, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी डू नॉट गेट द सेम आंसर, तो नॉट इक्वल टू, इनका जवाब बराबर नहीं आएगा. तो वी डू नॉट गेट द सेम आंसर, दस इट टेल अस इन सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच द नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड इज इम्पॉर्टेंट. तो ये थी हमारा आज का टॉपिक बच्चों. तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज. होप कि आपको समझ अच्छे से आया होगा. ओके.